Please subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों ड्रामा सीरियल बांदी की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि फरहान वली के पास बैठा होता है और फरहान वली से कह रहा होता है कि अगर ये सब मीरू ने किया हो तो फरहान उसकी तरफ देखता है और फरहान कहता है कि मतलब के सोच तो जहन में आती है ना, तो वली कहता है नहीं आती फरहान, जिस पर आपको इतना एतबार हो उसके लिए ऐसी सोच नहीं आती। तो वली की माँ कह रही होती है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि और जब गलतियाँ ज़्यादा होने लगें तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और बाबू को उसके हाथ में मौजूद चीज़ दे मारती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वली की माँ जिसके पास खड़ी होती है वो फरहान का नाम लेती है तो वली की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मारने लगती है। इतने में वली वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अम्मी जान रुकें। फिर दिखाया जाता है कि वली की माँ उसको कहती है कि आप अपनी माँ को रोकेंगे अब। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वली की माँ बैठी होती है और कहती है तुम जानते हो कि सोविया कौन है, अपने हस्बैंड से पूछ रही होती है। वो कहता है हाँ हाँ जानता हूँ मैं। तो वली की माँ कहती है वो बता देगी सबको। फिर दिखाया जाता है एक तरफ के बाबू जो के वली के घर में नौकर है वो बैठा होता है और उसके पास एक लड़की खड़ी होती है। वो उसको कहती है कि ऐसे मरीज का दर्द कोई अपना बर्दाश्त नहीं कर सकता और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बाबू जब पर्दा हटाता है तो मीरू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो बहुत बुरी कंडीशन में होती है। दोस्तों आप ये सब तो जानते ही हैं कि मीरू का ये हाल किसने किया। मीरू का ये हाल वली के पेरेंट्स ने किया है जिसकी वजह से वो आज इस हाल को पहुंची है और उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने चोरी की है जो कि उसने नहीं की। वली के दिमाग में ये बात बिठाई जा रही है कि मीरू चोरी करके घर से चली गई है और वली जगह जगह पर मीरू को ढूंढ रहा है। वली की माँ जो कि वली से कहती है कि ये चोरी मीरू ने की है। वली अपनी माँ से कहता है कि अगर ये चोरी मीरू ने की तो इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मीरू बच पाएगी? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।